जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में यह चर्चा तो चारों ओर है कि हर साल आने वाली बाढ़ को राजनेता, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदारों के लिए आपदा में अवसर के रूप में देखा जाता है। इनके लिए यह एक कमाई का मौका होता है। पानी को रोकने, राहत पहुंचाने और पुनर्वास के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर अब खुलेआम चर्चा हो रही है। इसे बाढ़ घोटाले के नाम से जाना जा रहा है। बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस इलाके के करीब 3,000 से अधिक आबादी डूब चुकी है। अब लोगों ने बांध और अन्य स्थानों, सरकारी विद्यालयों में आसरा ले लिया है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो मौजूदा हालात को बयां करती है। लोगों का आरोप है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन लोगों के पास नाव नहीं है या वो बाढ़ के दौरान इसे नहीं चलाते हैं, फिर भी उन्हें इसकी राशि मुआवजे के तौर पर मिल जाती है। जबकि कई नाविक जो कई सालों से बाढ़ के दौरान नाव चला रहे हैं और उन्हें इसकी राशि नहीं मिल रही है। आइए देखते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के कई इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। बूढ़ी गंडक नदी का पानी पिछले कुछ दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। वही बाढ़ का पानी कई शहरी इलाकों में भी घुस चुका है, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कई प्रखंड इस समय बाढ़ से ग्रसित है। बहुचा प्रखंड का आथर सरीखे दर्जनों गांव बहने वाले बूढ़ी गंडक नदी के उफान से प्रभावित है। एक तरफ बाढ़ग्रस्त लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ इससे प्रभावित इलाकों के लोगों को भ्रष्ट अफसरों की ओर से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को ही नाव की गिनती की गई, जिसमें मात्र 21 नाव चल रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन 42 नावों का है। अब ये बचे नाव कागज पर चल रहे हैं और बाढ़ खत्म होने के बाद इनके खाते में पैसे भी आ जाएंगे। हाल ही की बात करें तो बिहार में एक अपर मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को एक FIR दर्ज कराने के लिए तरसना पड़ता है, तो इन मामूली बाढ़ग्रस्त लोगों की समस्याओं के समाधान की तो महज बस कल्पना ही की जा सकती है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।